तो यहाँ पर जो टॉपिक हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे उन्हें आप बुलाते हैं ग्लैंड्स। पढ़ा होगा आपने आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। तो ग्लैंड्स जो हैं उनका आप बेसिकली उसको समझ ले क्या होता है। ग्लैंड एनिमल की बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है? आपकी बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल है, समझ लीजिएगा, जो कुछ सिक्रीट करते हैं। अब वो सिक्रीशन जो होता है वो ऐसा हो सकता है, हार्मोन जो एक से दूसरे पार्ट में ग्लैंड से जहाँ जरूरत है वहाँ जाएगा विद विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि वो ग्लैंड डक्टलेट्स होती है। और दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है एक, वो तो एंडोक्राइन जिसमें हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और एक एक्सोक्राइन है जो आप बोल दें सिक्रीशन करते हैं कुछ फ्लूड्स का, जूसेस का, लाइक वो पेनक्रियाटिक जूस। तो ये आप ग्लैंड, तो ग्लैंड सिंपली क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल है। ये जैसे दिख रहा है आपको ये सारा, तो ये एक एक सिंगल सिंगल पॉइंट जो दिख रहा है आपको, जैसे 1 2 3 4, ये सारा सेल है। तो इन्हीं सेल का आप देख रहे हैं ग्रुप है पूरा, उसे ग्लैंड बुला रहे हैं, और ये सिक्रीट करते हैं सिक्रीशंस। तो ये ग्लैंड के बारे में बेसिक चीज आप बोल सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल है एनिमल बॉडी में, क्लियर? तो यहाँ पे हमने पढ़ा ग्लैंड है, फिर मैंने बताया, वैसे आपको रफली समझ में आ गया होगा कि एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन ग्लैंड दो हैं। तो यहाँ टॉपिक हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, वो पीछे हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, यहाँ थोड़ा ढंग से समझ लें। मैंने क्या बोला, एंडोक्राइन वो हैं जो हार्मोन बनाते हैं, हार्मोन सिक्रीट करेंगे वो एंडोक्राइन है, और जो किसी तरह का हार्मोन नहीं बना रहे, लगभग आप डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह बनाते हैं, कुछ एंजाइम बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी इन दोनों में डिफरेंस आई थिंक आपको देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल मैं बोल दूं उसको आप समझ लीजिएगा। क्या है एंडोक्राइन, इसको यहां देखें, ये ग्लैंड का स्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने, यहां एंडोक्राइन का बना रखा है, ये भी आपका एंडोक्राइन का दिख रहा है, क्लियर? तो ये ए वाला आपका एक्सो का दिख रहा है, बी और सी दोनों के दोनों किसके हैं, एंडोक्राइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझने वाली बात क्या है इसमें, बस कि आप जो एक्सोक्राइन ग्लैंड देख रहे हैं तो क्या है, ये जो स्ट्रक्चर हैं ये ग्लैंड्स हैं, ये क्लियरली ग्लैंड्स हैं, और इनमें जो है भरा हुआ क्या है, ये सारा सिक्रीशन भरा हुआ है। ये डॉटेड पार्ट मैंने दिखा दिया सारा, एक कैविटी सी दिख रही है, सारा इसमें क्या है, ये सिक्रीशन है, इसीलिए लिखा हुआ है सिक्रेटरी एंड पीस, सारा सिक्रीशन भरा है। अब ये सारा सिक्रीशन जो है यहां से बाहर निकल के आ रहा है, तो आपको दिख रहा है ये डक्ट बना रखी है, तो ये डक्ट के थ्रू सारा सिक्रीशन निकलता हुआ आ रहा है, तो आप उसे क्या बुला रहे हैं, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सिंपली अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड को समझा जाए तो क्या बोला जाता है इसे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को आप लिख देते हैं जो डक्टेड ग्लैंड्स हैं, जिनमें डक्ट प्रेजेंट होगा वो है एंड एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में समझें तो इनका सिक्रीशन कहाँ जाएगा, जहां से सिक्रीट हुआ वहां से जहां जरूरत है वहां डक्ट के थ्रू पहुंचेगा बिना ब्लड में गए। एंडोक्राइन वाले कौन है, जिनका सिक्रीशन आपको दिख रहा होगा, जिनका सिक्रीशन जाएगा, आप देखेंगे कि इनकी जो ग्लैंड्स हैं ये पूरी, इन ग्लैंड से सिक्रीशन कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई डक्ट वगैरह कुछ नहीं बनी हुई इसकी तरह, तो ये ना यहाँ पे बना हुआ है कोई डक्ट, तो इनका सिक्रीशन कहाँ जाता है, ब्लड में जाएगा, और ब्लड से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होगा। तो एंडोक्राइन की खासियत क्या है, विदाउट डक्ट, बिना किसी डक्ट के होंगी, मतलब इनमें मैं सीधे बोल दूं क्या है, डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड होंगी इसमें एंडोक्राइन में, और एक्सोक्राइन क्या होंगी, डक्टेड ग्लैंड्स होंगी, क्लियर? फिर इसमें आगे है एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है मैंने आपको बताया जिनमें डक्ट्स होंगे,
और इनका सिक्रेशन जो है डक्ट के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है पैरोटिड ग्लैंड का। पैरोटिड ग्लैंड आपको बता दूं मैं, एक टाइप है किसका, सलाइवरी ग्लैंड का। सलाइवरी ग्लैंड का एक टाइप है कौन, पैरोटिड ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड वो जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड के पैरोटिड के अलावा दो टाइप हैं, एक को बुलाते हैं आप सबलिंगुअल और ग्लैंड होता है, और एक आपका होता है, दो वो एक साथ इंक्लूड करते हैं, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सॉरी ठीक है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये भी आता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल में, इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको दिख रहा होगा। एक दे रखा है स्वेट ग्लैंड। स्वेट मीन्स पसीना, जिनसे पसीना सिक्रेट होता है वो ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। पसीना कहाँ होता है, कहाँ से निकलता है पसीना, स्किन से। तो लोकेशन कहाँ होगी, स्किन पे। काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड आपको बता दूं मैं, इसको एक और नाम बुलाते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है इसे, काउपर्स ग्लैंड को। और ये काउपर्स ग्लैंड जो है ये कहाँ मिलेगा, पेनिस के अंदर बेस पर, जो पेनिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, सेक्सुअल पार्ट होता है उसे, उसके बेस पर। और इसका प्रोडक्ट जो होता है प्री इजेकुलेट बोलते हैं, या बोल दें मैं सीधे सीधे, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है वो सिक्रेट करता है। क्या है ये प्री इजेकुलेट, मतलब लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन आई थिंक आप समझते हैं, जो भी एक तरह से फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेल और फीमेल जब इंटरेक्ट करेंगे। तो ये काउपर्स ग्लैंड बोल रहा हूँ मैं, ये भी डक्टेड है, एक्सोक्राइन में आएगा। फिर है मेमरी ग्लैंड बोल रहे हैं आप। मेमरी ग्लैंड की अगर बात की जाए तो मेमरी ग्लैंड आपको पता है फीमेल में क्या सेक्रेट करता है, मिल्क रीजन जहाँ पे प्रेजेंट, ब्रेस्ट। फिर एक ये ग्लैंड का नाम याद रखिएगा कोबेलिस ग्लैंड। कोबेलिस ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, म्यूकस। म्यूकस आप जानते हैं थिक फ्लूड सा होता है, जो फूड वगैरह को, एयर वगैरह को पास करने में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगा। इसके अंदर इन्होंने एग्जाम्पल कहाँ दे रखा है, ईसोफेगस। मीन्स कोबलीज जो है ग्लैंड, ये म्यूकस सिक्रीट करेगा, लेकिन कोबलीज वाला ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, बस ईसोफेगस में प्रेजेंट आपको मिलेगा। क्लियर बात ये, ईसोफेगस। कुछ और एग्जाम्पल हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के, कुछ टाइप्स हैं, जैसे एक बोल रहा हूँ सलाइवरी ग्लैंड, अभी मैंने बताया सलाइवा सिक्रीट करेगा बकल कैविटी या माउथ के अंदर। और सलाइवा के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे मैं बता दूँ सलाइवा में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वो बैक्टीरियोसाइडल होता है। आप जो भी फूड खाएंगे उसको, वो बैक्टीरिया वगैरह अगर आया उसमें माइक्रोब, तो उसको मार देंगे। साथ में सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट को आपके फूड के माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट कर देगा। ये किसकी बात हो रही है, सलाइवरी ग्लैंड की बात हो रही है, सॉरी। उसके बाद पेनक्रिया। पेनक्रिया आई थिंक आपको पता है, ये जस्ट एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर होगा। ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम सिक्रेट करता है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, और ये सारे एंजाइम, जैसे अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। तो ये पेनक्रिया का रोल है, और पेनक्रिया का ये सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। क्लियर। उसके बाद फिर इसमें और देखें तो आपको मिलेगा ये स्पॉम। स्पॉम आई थिंक आपको पता है, स्पॉम एंजाइम सिक्रीट करता है एक हायलुरोनिडेज एंजाइम, जिसकी वजह से आपको क्लियरली दिख रहा है, इस एंजाइम की हेल्प से स्पर्म जो है फीमेल यूट्रस में स्विम कर पाएगा। आपको पता होगा स्पर्म की एंट्री जब होती है वेजिना से यूट्रस में, तो यूट्रस से वो ट्रेवल होके जाता है फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ उसे ओवम मिलता है या ओवा मिलता है, जिससे वो फर्टिलाइज करेगा। तो ये स्विमिंग कैसे कर पाएगा फीमेल बॉडी में, तो किसके थ्रू करेगा, हायलुरोनिडेज एंजाइम के थ्रू। क्लियर बात ये। फिर द अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस एंजाइम इज टू हेल्प द ड्रग रीच इनर मोस्ट टिश्यूज ऑफ द
बॉडी। इस पर्टिकुलर एंजाइम का और फायदा क्या है कि जो भी आप मेडिसिन वगैरह लेंगे ड्रग्स, वो आपके अंदर तक टिश्यूज में इफेक्ट करेगा, जिससे आपको फायदा होगा। ये भी रोल किसका है? स्पर्म में प्रेजेंट हायर ओलेटेज एंजाइम के अंदर। क्लियर बात है पूरी पूरी? इसे आप बेसिकली इस नाम से बुलाते हैं और इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर इसमें स्वेट ग्लैंड है एक, इसको देख लें। तो स्वेट ग्लैंड की क्या कंडीशन है? मैंने बताया अभी पीछे कि स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करता है स्वेट, और स्वेट निकलने का मतलब क्या होता है? इससे आपकी बॉडी में हीटनेस निकलेगी, जिससे आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन होगा। पता है आपको, गर्मियों के मौसम में पसीना इसलिए निकलता ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो। तो उसके लिए स्वेट ग्लैंड, एक स्वेट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है सेबासियस, सेबासियस ग्लैंड। किसका मॉडिफिकेशन है? स्वेट ग्लैंड का। क्या करता है ये कंपोनेंट सिक्रीट करता है, उसको बोलते हैं सेबम, स्किन और ईयर्स के अंदर। और ये एक तरह से वैक्स की तरह काम करते हैं, वैक्स लाइक होता है सेबम, और इससे सारा डस्ट पार्टिकल वगैरह चिपक जाता है। ये आप बोल देते हैं सेबेसियस ग्लैंड। उसके बाद एक लेक्राइमल ग्लैंड है। लेक्राइमल ग्लैंड की खासियत क्या है? इसको आप सिंपल तौर पे मैं बोल दूं, बोल सकते हैं टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड बोला जाता है। टीयर सिंपली आप जानते हैं आंसू की बात कर रहा हूं मैं। और ये आईज में होता है, जो वाटर सिक्रीट करता है कुछ मॉइस्चर करने के लिए, किसको? आईज को। तो इसको लेक्राइमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड के नाम से बुलाया जाता है। फिर इनमें आगे चलें, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है। थोड़ा बहुत रफली हमने पढ़ा, मैंने बताया आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन है। डक्टलेट्स ग्लैंड है, जिनमें डक्ट्स नहीं होती हैं। मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्लैंड है, कोई भी ग्लैंड, और वो अपना सिक्रीशन कुछ सिक्रीट करती है, लाइक मैं आप बोल रहा हूँ कुछ, आप पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रहे हैं, थायराइड बोल रहे हैं, और इसको अपना सिक्रीशन सपोज पहुंचाना है किसी और पार्ट में बॉडी के, जिसे मैं सेकंड पार्ट लिख दे रहा हूँ, तो ये अपना सिक्रीशन यहाँ डक्ट के थ्रू नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये डक्टलेट्स ग्लैंड है। तो ये अपना सिक्रीशन कैसे पहुंचाएंगे? ये अपने सारे सिक्रेटेड कॉन्टेंट को किस में डाल देंगे? ब्लड में। और ब्लड के थ्रू ये कहाँ पहुंचेगा? जहां इसको रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या बोल रहे हो? दोज ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इन टू द ब्लड, जो अपना सिक्रीशन ब्लड में डाल देंगे, आर नोन एज एंडोक्राइन और डक्टलेट्स ग्लैंड्स। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड। क्लियर बात ये? थायराइड ग्लैंड। और इन ग्लैंड्स की मेनली बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये ग्लैंड नॉर्मली सिक्रीट क्या करते हैं? हॉर्मोन्स। ये दीज ग्लैंड्स ऑफन सिक्रीट हॉर्मोन्स। ये सिर्फ हॉर्मोन ही सिक्रीट करते हैं लगभग, डक्टलेट्स वाले, एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी होंगे। विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। आपकी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, तो ये आप इसे होम्योस्टेसिस बोल रहे हैं। क्या क्या? बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना होम्योस्टेसिस है। और इसमें हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी में। और ये ग्लैंड मेनली क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो होम्योस्टेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। इनके कई एग्जाम्पल हैं, पिनियल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, और दो एड्रेनल ग्लैंड्स वगैरह भी होती हैं। आपको पता है किडनी के ऊपर होती है एड्रेनल ग्लैंड, पिनियल वाली, पिट्यूटरी वाली आपके ब्रेन में, थाइमस ग्लैंड आपकी जो है हर्ट के पास, थायराइड ग्लैंड आपकी ट्रैकिया रीजन के पास, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल मतलब हो गया किडनी के ऊपर, तो किडनी के ऊपर ये ग्लैंड्स हैं। दीज ऑल आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बेसिकली आप बुलाते हैं इसके अंदर। तो आगे तो बात किसकी हो रही है? एंडोक्राइन ग्लैंड, मैंने आपको भी बताया पीछे। तो यहां तो अब क्या देख रहे हैं हम, जरा डायग्रामेटिक देख लें कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मैंने क्या बोला, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रहा हूं मैं, ये ब्रेन में, और साथ में यहीं कहीं इसके नीचे एक और ग्लैंड होता है, उसको नाम बुला देते हैं
अभी मैंने साथ में बोला इसके PINEAL, पिनियल ग्लैंड, ये भी यहीं मिलेगा आपको पिट्यूटरी के पास ही। उसके बाद मैंने कहा नेक रीजन में एक ग्लैंड है, उसे बोल रहे हैं आप थायराइड ग्लैंड, दिख रहा है। उसके बाद आपका एक पेनक्रियाज है, ये ध्यान रखिएगा, एक्सोक्राइन है। पेनक्रियाज आपका एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है। इसको थोड़ा समझ लें, अगर एक्सोक्राइन की तरह तब काम करेगा जब ये डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह बनाएगा, एंजाइम बनाएगा। एंडोक्राइन की तरह कब काम करेगा, जब ये क्या सिक्रेट कर रहा है, आपने एक नाम पढ़ा होगा इंसुलिन वगैरह हार्मोन, तो वो सिक्रेट करेगा। तो क्या हुआ, हार्मोन सिक्रेट करते ही ऐसा हुआ, एक ये एंडोक्राइन हो गया। तो पेनक्रियाज इकलौता ऐसा ग्लैंड है, इसके साथ एक लिवर भी है ऐसा, दोनों जो है एंडोक्राइन की तरह भी काम करते हैं और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करते हैं, इसको जरा ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद क्या बोल रहा हूँ मैं, एड्रिनल ग्लैंड लिखा हुआ है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, किडनीज के ऊपर ये जो पार्ट दिख रहे हैं आपको येलो कलर के, दीज आर एड्रिनल ग्लैंड्स। उसके बाद टेस्टीज जो मेल्स में होती हैं, ये ग्लैंड्स हैं, ये भी सिक्रीशन करती हैं, एंडोक्राइन है। उसके बाद फीमेल के अंदर ओवरीज, ये पार्ट फीमेल में ओवरीज, इसमें ओम बनता है, वो पार्ट भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आता है। तो क्लियर। तो आगे जो टॉपिक है इसमें अगर आप देखें, थोड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा हमने, आगे देखे इसके अंदर बिल्कुल रफली कुछ इनके फंक्शंस देख लें, जनरली ये क्या रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल जनरल फंक्शंस। तो यहाँ देखो सारे ग्लैंड को दिखा रखा है, पिनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस हो गया आपका, थायराइड दिखा दिया, उसके अलावा जो है आपका इसके अंदर किडनी दिखा रहे हैं, ओवरीज हो गई, आपका जो है पेनक्रिया दिखाई दे रहा है, लीवर ग्लैंड दिखाई दे रहा है, उसके अलावा जो आपके टेस्टिस की बात हो रही है, सारे ग्लैंड बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। अभी उसके बाद इसका रोल क्या है, देखो क्या क्या काम करता है, यहाँ समझ लें आप कि जनरल फंक्शन हार्मोन के क्या है। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में, समझिएगा एक्स्ट्रा सेलुलर आपकी सेल है ह्यूमन बीइंग की, उसके सेल के बाहर जो भी सारा फ्लूइड होगा, जो भी सेल, जिस सेल के आसपास जो भी फ्लूइड होगा उसका कंसंट्रेशन मेंटेन करेगा, ताकि सेल के अंदर व बाहर मूवमेंट जो है एबनॉर्मल ना हो, पहली बात। सेकंड, हार्मोन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म आप समझिएगा, जितनी भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रही है, लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सबको कंट्रोल करेगा हार्मोन। फिर उसके बाद इसे लिखा गया कि ये एक्ट एज बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक समझिएगा, आपका जो डेली रूटीन होता है 24 आवर साइकिल, कि आप जो 24 घंटे की पूरी साइकिल होती है आपकी, कि कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब भूख लगेगी, कब नींद आएगी, तो ये सारा क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये भी हार्मोन मेंटेन करते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल हर्ट की होती है, स्मूथ मसल आपके इंटरनल ऑर्गन्स की मसल होती हैं, तो इनके कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये कौन करवाएगा, ये भी हॉर्मोन्स करवाते हैं। उसके बाद ग्लैंड्स में सिक्रीशन, उनको ऑर्डर देंगे तब वो सिक्रीट करेंगे, ये भी किसकी हेल्प से होगा, हार्मोन की हेल्प से। फिर उसके बाद कुछ इम्यून फंक्शन भी होंगे, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए भी किसका रोल आया, हार्मोन का आया। बाकी ये है ही, ग्रोथ करवाएगा, डेवलपमेंट करवाएगा, रिप्रोडक्शन भी करवाएगा। आप जानते हैं रिप्रोडक्शन में हार्मोन, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, दीज ऑल आर हार्मोन्स। उसके बाद आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन फीमेल में, तो ये सब कुछ कौन करवा रहा है, हार्मोन करवा रहा है। ये इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम में मेन रोल की बात कर रहे हैं, क्लियर। उसके बाद देखिए ये जो पूरा आपको टॉपिक दिख रहा है, ये है कि हार्मोन को थोड़ा स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफाई कैसे करेंगे आप, क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर के बेस पर। तो एक टाइप है सिंपल टाइप्स, पहले हार्मोन की क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ सिंपल टाइप के हार्मोन होते हैं। तो अगर वो देख रहे हैं आप, अगर वो ऐसे ट्यूब लाइक दिख रहे हैं, ट्यूबलर शेप के बेस पर है, ट्यूब की तरह, पाइप की तरह, ट्यूब की तरह बोल रहा हूं मैं, और अगर ये ट्यूब की कई सारी ब्रांचेस दिख रही हैं, मतलब कई सारी शाखाएं दिख रही हैं आपको, तो ब्रांच्ड हो गया, ट्यूबलर ही है। लेकिन फिर एक बोला जा रहा है, देखो नाम से पता लग रहा है ट्यूब लाइक तो है, लेकिन थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, क्वाइल्ड है, क्वाइल की तरह है, मुड़ा हुआ है, तो क्वाइल्ड हो गया। उसके बाद
ब्रांच्ड में एल्वियोलर, देखो ब्रांचिंग दिख रही है आपको, ये तीन ब्रांचेज आ रही है, लेकिन क्या है, एल्वियोली की तरह है, एल्वियोलाई लाइक है, बिल्कुल ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर नहीं है, तो उसे आप बोल रहे हैं ब्रांच। तो सिंपल टाइप में क्या है, ट्यूबुलर है, ब्रांच्ड ट्यूबुलर है, कॉइल्ड है, उसके बाद आपका ब्रांच एल्विलर है, ये सिंपल टाइप्स हैं किसकी, किसी भी अगर ग्लैंड की बात। देखिए इसमें फिर आगे मैं हमने पढ़ा अभी पीछे सिंपल टाइप, फिर आ जाते हैं कंपाउंड टाइप्स। कंपाउंड टाइप्स में क्या है, बिल्कुल दिख रहा है बहुत हैवी ब्रांचिंग दिख रही है, तो ये क्या है, सब कुछ ट्यूब लाइक है, तो क्या बोल रहे हैं, ट्यूबुलर कंपाउंड टाइप, ब्रांचिंग बहुत ज्यादा दिखेगी। यहां पे भी ऐसे कई सारे एल्विलर वाले दिख रहे हैं आपको, तो ये कौन से हैं एल्विलर टाइप, तो सिंपल वाले में इतनी हैवी ब्रांचिंग नहीं थी, इनमें से कोई एक ही मिलेगा तो सिंपल था, ऐसे कई सारे लगे हुए हैं तो आप क्या बोल रहे हैं कंपाउंड टाइप, अगर वो ट्यूब लाइक है तो ट्यूबुलर बोल रहे हैं, अगर वो एल्विलाई लाइक है तो एल्विलर बोल रहे हैं, दैट इज यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ, सिंपली आप बोल देंगे ग्लैंड्स। पिछले हमने पढ़े जो पीछे वो था सिंपल टाइप, और अभी किसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंड टाइप्स की बात कर रहे हैं, क्लियर। चलिए इसमें फिर आगे है अगला टॉपिक आपका, इसमें अब तक क्या पढ़ा हमने कि सिक्रेशन क्या कर रहा है, किस तरह से रिलीज कर रहा है, फिर यहाँ है फंक्शन के बेस पर है कि किस तरह से फंक्शन होगा, उसमें सिक्रेशन कैसे बाहर आएगा, उस बेस पर है। सबसे पहला टाइप है इसमें मेरोक्राइन ग्लैंड, क्या है, मेरोक्राइन ग्लैंड। अब देखो यहां पर एक टर्म पहले ही लिखा हुआ है, मैं इसको क्लियर कर दूं यहीं, कि एक्सोसाइटोसिस लिखा हुआ है, आप बात को समझ लीजिएगा। मान लीजिए एक सेल है, कोई भी सेल, अगर सेल के बाहर कोई चीज गई तो एक्सोसाइटोसिस, जो ये टर्म लिखी हुई है वो है, और सेल के अंदर कोई चीज आई तो एंडोसाइटोसिस। क्या है, एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर चीज आएगी और सेल के बाहर गई तो एक्सोसाइटोसिस। अब यहां पर ध्यान क्या रखेंगे, मान लीजिए कोई ग्लैंड है, आप उसे मेरोक्राइन कब बुला रहे हैं, पहली बात उसका सेक्रेशन कैसे रिलीज होगा, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, समझिएगा आप। ये मान लीजिए डॉटेड जो दिखाई दे रहे हैं सारा सेक्रेशन है इस ग्लैंड में, ये मेरोक्राइन ग्लैंड दिख रही है और इसमें ये सारा सेक्रेशन है इसका जो डॉटेड दिख रहा है, तो ये इसके अंदर से निकल के बाहर आएगा तो उसे आप क्या बोल रहे हैं, सेल से बाहर आया तो एक्सोसाइटोसिस। और आप बिल्कुल इसमें देखेंगे जो ये पूरी ग्लैंड है, जो पूरा स्ट्रक्चर ग्लैंड का बना हुआ है, इस पूरी ग्लैंड को कोई भी डैमेज नहीं होगा, मींस इस ग्लैंड का सिक्रेशन जो भी है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर आएगा और इस ग्लैंड के किसी भी एक सेल को डैमेज किए बिना, बिना किसी डैमेज के अपने आप ही निकल के बाहर आ जाएगा, तो उसे आप क्या बोल रहे हैं, मेरोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं, कि बिना किसी ग्लैंड को डैमेज किए, लाइक मैं मेमोरी ग्लैंड की बात करूं, मैं स्वेट ग्लैंड की बात करूं, लीवर की बात करूं, तो आपको पता है लीवर से भी अगर सिक्रेशन बाहर आया तो लीवर को थोड़ी डैमेज कर रहा है वो, तो बिना उसे डैमेज किए निकल के बाहर आ गया। तो ऐसा कोई ग्लैंड जिसमें एक्सोसाइटोसिस होगी, बाहर निकलेगा ग्लैंड से और ग्लैंड के एक भी सेल को डैमेज नहीं करेगा, तो उसे मेरोक्राइन ग्लैंड। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है, स्वेट ग्लैंड, जिससे स्वेट सिक्रीशन होता है, तो इसे आप क्या बोल रहे हैं, मेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से बुला रहे हैं, पहली बात। फिर उसके बाद देखिए इसमें अगली ग्लैंड है, उसका नाम है, काफी कुछ समझ में आ रहा है, ये एपोक्राइन ग्लैंड बोल रहा है। कहीं भी बेटे एपो लिखा हो, एपो का मतलब होता है एपिकल, अभी एपिकल मतलब जानते हैं आप, टिप की बात की जाती है। अब क्या हो रहा है, मान लो मैं बोल रहा हूं पूरा एक ग्लैंड है, ये पूरा इस तरह से बना हुआ है और ये टॉप मोस्ट पोजीशन इसका एपिकल पोर्शन है, ये जो पूरा मैंने भर दिया है ये इसका एपिकल पोर्शन है, तो इस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, जो भी इसमें सिक्रीट हुआ है, ये सिक्रीशन इससे बाहर तब आएगा, आप समझिएगा इसको, कि मान लीजिए पूरी ग्लैंड थी और ये इसका सिक्रेशन था, तो ये सिक्रेशन इससे बाहर कब आएगा, जब इसका ये एपिकल पार्ट ब्रेक हो जाएगा, तब ये फटेगा, तब ये एपिकल पार्ट टूटेगा, तब सिक्रेशन निकल के बाहर आएगा,
वो बिल्कुल ऐसे मान लो आपने कभी देखा होगा वो फेवी स्टिक वगैरह आती है, फेविक्विक वगैरह, तो उसका आप एपिकल पार्ट जो है घुमा के तोड़ देते हैं और उसके बाद सारा सिक्रेशन उसमें से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो एपोक्राइन ग्लैंड में क्या है स्पेशलिटी कि एपिकल पार्ट जो होता है ग्लैंड का जब टूटेगा सेल का तब इसका सिक्रेशन रिलीज होके बाहर आएगा, वरना वो पैक रहेगा उसी के अंदर। क्या है, इसका एपिकल पोर्शन टूटना चाहिए, टॉप मोस्ट पोर्शन रप्चर होना चाहिए, तब सिक्रेशन बाहर आएगा। और ऐसी ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है, सेबेसियस ग्लैंड। पीछे मेरोक्राइन में क्या पड़ा, कुछ भी टूटता नहीं है, उसमें बस क्या है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा सिक्रेशन। यहां क्या बोल रहा है कि टूटेगा ऊपर का पार्ट, एग्जाम्पल कौन, सेबासियस ग्लैंड, ध्यान रखिए। इसमें लास्ट फाइनल जो है फंक्शन के बेस पर वो है होलोक्राइन ग्लैंड। अभी देखिए होलो का मतलब क्या होता है, होलो कहीं भी लिखा हो इसका मतलब होता है होल या फिर कंप्लीट बोल दे, सारा सब कुछ। तो आप क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए पूरी ग्लैंड थी, मैं इसको रफली ऐसे दिखा दूं, ये ग्लैंड है, आप इसको ऐसा बोल रहे हैं, तो होता क्या है इस ग्लैंड में जो भी सिक्रेशन भरा है, जैसे यहां पूरा सिक्रेशन सिक्रेशन भरा हुआ है, तो ये सिक्रेशन कब बाहर आएगा, पूरी ग्लैंड रप्चर हो जाएगी। जैसे आप बोलो कि मतलब कुछ भर रखा आपने और ब्लास्ट हो गया, तो सारी ग्लैंड जब टूट जाएगी तब उसका सिक्रेशन बाहर आएगा, तो उसे आप क्या बोल रहे हैं, होलोक्राइन ग्लैंड। क्या है, वेन द एंटायर सेल डिसइंटीग्रेट्स, जब सारा सेल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तब सिक्रेशन बाहर निकलेगा। तो ऐसी ग्लैंड को आप क्या बोल रहे हैं, होलोक्राइन ग्लैंड। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मेमरी ग्लैंड। अब मेमरी ग्लैंड में समझना डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मेमरी ग्लैंड के ऊपर जो आप बोल दें छोटे छोटे सेल्स होंगे, जब वो सेल डिसइंटीग्रेट होंगे तब उसका सिक्रेशन बाहर निकलेगा। सॉरी, तो ऐसे को आप क्या बोलेंगे, होलोक्राइन ग्लैंड। तो क्या है समझिएगा, मेरोक्राइन में कुछ नहीं टूटा, एक्सोसाइटोसिस से बाहर आ गया, एपोक्राइन में सिर्फ एपिकल पार्ट टूटा, होलोक्राइन में पूरा सेल टूटेगा तब सिक्रेशन बाहर आएगा, तो उसे होलोक्राइन ग्लैंड आप नाम बुलाएंगे। क्लियर, दीज आर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो फाइनली इसके अंदर थैंक्स ऑल ऑफ यू कि आपने इस वीडियो को देखा, प्लीज से लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी इम्पोर्टेंट वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोगों को फ़ायदा मिले, तो इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही टॉपिक्स पे हम लोग आगे और करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये। अगर ऑन द बेसिस ऑफ नीट की बात करेंगे किसी एंट्रेंस एग्जाम की, तो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं ग्लैंड, इनके सिक्रेशन, फंक्शन, टाइप्स। क्लियर, तो इतना आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर भी ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा आपको मिलेगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा वो नीट के एग्जाम्स में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।